एक चम्मच मैंने ये हरी मिर्च ली थी पीसी हुई जो कि मेरे चैनल पर है, और ये एक चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों को मिक्स किया हुआ है मैंने। थोड़ी सी काली मिर्च है जिसको मैं अलग से पीस के डालूंगी, और ये कुछ गरम मसाला करी पत्ते और ये इलायची पाउडर ये भी डाल देती हूँ इसमें। प्याज है ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। बस अब इसमें पानी डाल के हम इसको इतना पकाएंगे कि गल जाए। ये भी इसमें शामिल कर देंगे हम जो हमने पीसा था। सब्जियों को मैं फ्राई करूंगी, ठीक है। तो एक चम्मच मैं ले लेती हूँ दही, एक चम्मच लेनी है इसमें। हमारे बॉईल हो चुके हैं, इसकी एक कनी कच्ची रखी है मैंने, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा ये मैंने सिर्फ भून लिया है थोड़ा सा, और अब इसमें ये सब्जियां भी डाल दूंगी। ये चावल भी जो बॉयल हो चुके हैं वो भी इसमें डाल दूंगी मैं। अब इसको मिक्स कर देंगे हम। अब इसको मैं चूल्हे पे रख रही हूँ, पहले हम इसको फुल आंच पे रखेंगे 10 मिनट तक। जैसे ही स्टीम बाहर आने लगी तो इसको हम सीरो आंच पे पका लेंगे, सिर्फ 5 मिनट तक हमें इसको दम देना है, ठीक है। 10 मिनट इसको हम फुल आंच पे देंगे, जैसे ही स्टीम बाहर निकलने लगे तो फिर इसको 5 मिनट के लिए हम इसको सिर्फ हल्की आँच पर दम दे देंगे। ये देखिए मैंने फुल आँच की हुई है, और इसमें फुल आँच पर दम स्टीम आने तक पकाऊंगी। हरी चटनी तैयार की है, इसमें 2 गठियां हरे धनिये की, 1 गठी हरा पुदीना, और चने जो होते हैं भुने हुए चने। हरी चटनी तैयार की है, इसमें 2 गठियां हरे धनिये की, 1 गठी हरा पुदीना, और चने जो होते हैं भुने हुए चने वो भी इसमें डाले हैं। पिसा हुआ खोपरा डाला हुआ है, पिसी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, और इन सबको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और हरी मिर्च इसके अलावा, ठीक है। तो ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। हमारा तैयार हो चुका है बीफ चाइनीज़ चावल और साथ में हरी चटनी। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।